अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मटन करी रेसिपी। ये मैंगलोरियन स्टाइल मटन करी रेसिपी है, साथ में इसके मैं घी राइस की भी रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी। चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग इसके मसाले तैयार कर लेंगे। यहाँ पर मैंने गैस में एक कढ़ाई को रख दी हूँ, गैस का फ्लेम को स्लो पर रखी हूँ। अब यहाँ पर मैंने एक कप जितना ये कोकोनट ली हूँ, इसको ग्रेट कर लिया है मैंने। अब इसको भुनेंगे हम लोग हल्का, इसको ब्राउन होने तक स्लो फ्लेम पे इसको भुनेंगे। देखिए अब ये थोड़ा थोड़ा सा इसका कलर चेंज होने लगा है, ये क्रिस्पी होने तक इसको भून लेंगे। ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना, हल्का इतना सा इसको भून कर ले लेंगे। अब ये हमारा कोकोनट भून कर तैयार है। अभी इसी कढ़ाई में हम लोग थोड़े मसाले भी भून लेते हैं। ये मैंने ज़ीरा ली हूँ आधा चम्मच, आधा चम्मच यहाँ पे मैंने खसखस ली हूँ, आधा चम्मच यहाँ पे मैंने सौंफ ली हूँ और एक चम्मच यहाँ अक्खा धनिया ली हूँ। अब इसको भी हम लोग एक मिनट के लिए स्लो फ्लेम पे इसको भून लेंगे। आप खसखस की जगह यहाँ पे सफ़ेद तिल भी डाल सकते हो। अब ये भी भून चुका है, अब इसमें डाल देंगे ये छः मैंने भिड़की मिर्ची ली हूँ और तीन लौंग और तीन इलायची, एक दालचीनी का टुकड़ा ली हूँ एक, और 10 से 12 काली मिर्च ली हूँ। अब इसको भी एक आधा मिनट के लिए भूलेंगे। अब ये सब भुने हुए मसाले को हम लोग मिक्सर जार में डाल देंगे और आधा कप जितना पानी डाल के इसको फाइन सा एक पेस्ट बना कर ले लेंगे इसका। इस तरह से मैंने इसका एक पेस्ट तैयार कर ली हूँ। अब इसको साइड में रख देंगे, चलिए नेक्स्ट प्रोसेस में चलते हैं। यहाँ पर मैंने कुकर ली हूँ मटन गलाने के लिए, मैंने यहाँ पर कुकर का इस्तेमाल कर रही हूँ। अब इसमें डाल देंगे 4 चम्मच जितना ऑयल। यहाँ पर मैंने 2 बड़े साइज़ के प्याज ली हूँ, इसको स्लाइस में कट कर ली हूँ। अभी इसको डाल दूँगी प्याज को, ये प्याज को भी भून लेंगे। इसको भी हल्का गोल्डन ब्राउन होने तक इसको प्याज को फ्राई कर ले लेंगे। बस इतना इसको फ्राई कर लेंगे। अब यहाँ पर ऐड करेंगे ये टमाटर 2 बड़े साइज़ के। यहाँ पर मैंने टमाटर को स्लाइस में कट कर ली हूँ। टमाटर डालने के बाद भी इसको भून लेंगे, तो टमाटर गलने तक इसको भी भून कर ले लेंगे। अभी टमाटर भी गल चुके हैं, अभी यहाँ पे ऐड करेंगे ये 3 चम्मच जितना यहाँ पे मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट लिया, उसको डाल दूँगी। उसको भी भून लेंगे, तो कच्चा पन निकलना तक इसको भी भून कर ले लेंगे इस तरह से। अब ये भून जाने के बाद अदरक लहसुन, यहाँ पर मैंने 1/2 kg जितना ही मटन ली हूँ, मटन को मैंने 1/2 चम्मच विनेगर डाल के इसको अच्छे से वाश कर ली हूँ। अब ये डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, 2 से 3 मिनट इसको भूनेंगे हाई फ्लेम में। 2 से 3 मिनट इसको भूनने के बाद अब यहाँ पर ऐड करेंगे 1 चम्मच, यहाँ पे मैंने नमक ऐड करी हूँ, नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिए। अब यहाँ पर ऐड करूँगी 1/2 चम्मच ये हल्दी पाउडर, इसको भी डालने के बाद अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मसालों को क्या इस तरह से अच्छे से भूनने से टेस्ट अच्छा आता है। हाई फ्लेम पर इसको 2 से 3 मिनट के लिए इसको और भून कर ले लेंगे। अब यहाँ पर ऐड करूँगी थोड़े से मैं बारीक कटे हुए धनिया के पत्ते। धनिया पत्ता डालने के बाद इसको एक बार मिक्स कर लेंगे। इस तरह से इसको मिक्स कर लेंगे। अब यहाँ पर ऐड करेंगे ये जो मसाला हम लोगों ने तैयार कर लिया उसको डाल देंगे। अभी मिक्सर जार में थोड़ा सा पानी डाल के मैं ये जो मसाला है उसको भी ऐड करेंगे। अब इन सबको अच्छे से मिक्स करके एक बॉईल आने तक इसको कुक करेंगे। अब इसमें एक अच्छा सा बॉईल आ जाएगा। अब इसमें ऐड करेंगे पानी, यहाँ पर मैंने 2 गिलास जितना पानी ऐड करी हूँ। आपको ग्रेवी जितना पतली या गाढ़ी चाहिए उस हिसाब से आप पानी इसमें ऐड कर लेना। अब यहाँ पर मैं कुकर का ढक्कन बंद करूँगी, इसको 7 से 8 सीटी लगा कर ले लूँगी। 7 से 8 सीटी हो जाने के बाद कुकर का ढक्कन हटाकर इसको चेक कर लेंगे। देखिए अभी अपना मैंगलोरियन स्टाइल मटन ग्रेवी बनकर तैयार है। आप इसको ज़रूर ट्राई करिए, बहुत ही मज़े की बहुत ही टेस्टी बनती है। ये ऑथेंटिक मैंगलोरियन स्टाइल मटन करी की रेसिपी है। अब इसमें यहाँ पे मैं थोड़ा सा ऐड करूँगी बारीक कटे हुए धनिया के पत्ते। अब इसको मिक्स कर लेंगे। अब ये हमारा मैंगलोरियन स्टाइल मटन करी बनकर तैयार है। अब यहाँ पर उसके साथ में खाए जाने वाला ये घी राइस भी आपके साथ शेयर करूँगी। यहाँ पर मैंने आधा ये प्याज को स्लाइस में कट कर ली हूँ, 3 लौंग ली हूँ, 2 हरी इलायची है, आधा दालचीनी है और ये शाहजीरा है 1/2 चम्मच। अब इसको घी में डाल देंगे, मैंने यहाँ पे 2 चम्मच घी ली हूँ। अब इसको
हल्का सा इसको सॉफ्ट होने तक इसको फ्राई करेंगे। ऑनियन हल्का सा सॉफ्ट होने देंगे इसको, इसको ज़्यादा भुनना नहीं है, हल्का सा इसका सॉफ्ट पन आने तक इसको भून लेंगे। अभी इसमें ऐड करेंगे, मैं एक कप यहाँ पे चावल ली हूँ उस हिसाब से मैंने पानी यहाँ पर डाल दी हूँ। अभी इसमें डाल दूँगी ये नमक आधा चम्मच। अभी इसमें एक बॉईल आने देंगे। अभी यहाँ पर मैंने ये ज़ीरा राइस ली हूँ एक कप जितना, इसको मैंने धो कर ली, उसको भिगाने की ज़रूरत नहीं है। अभी इसको ऐड करेंगे। अभी डालने के बाद चावल इसको मिक्स करेंगे। अभी इसमें एक बॉईल आने देंगे। अभी यहाँ पे ढक्कन बंद करेंगे, 4 से 5 मिनट के लिए इसको कुक होने देंगे। 4 से 5 मिनट बाद इसको ढक्कन हटा कर वापस से एक बार चेक कर लेंगे, मिक्स कर लेंगे एक बार। अब यहाँ पर वापस से ढक्कन लगा देंगे ये जब तक राइस कुक ना हो जाएंगे, जब तक इसको पका लेंगे हम लोग। अभी हमारे राइस कुक हो चुके हैं, माशाल्लाह से बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। आप इसको ज़रूर इसके साथ में ग्रेवी के साथ में ये राइस को ज़रूर ट्राई करना, देखिए कितना खिले खिले से चावल बने। अब यहाँ पर मैं गैस का फ्लेम ऑफ करूँगी और इसको ढक के 5 मिनट के लिए इसको इसे ज़रा अच्छे छोड़ देंगे। चलिए अभी इसको डिश आउट कर लेते हैं। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर से ट्राई करिए, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार बनती है। और आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कमेंट करके आप मुझे ज़रूर बताना आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी।